हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई एम नॉली त्यागी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सैम्पल पेपर, स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर CBSE ने अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पे, जिसे मैं आज आप लोगों के लिए सॉल्व करने जा रही हूँ। अगर आपको पेपर चाहिए तो उसका PDF लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है जी, चलिए फिर अपना पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं अपना लेक्चर आगे बढ़ाऊँ, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, लीस्ट कंपोजिट नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जो 1 से और खुद से और उसके अलावा भी किसी और नंबर से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3 को छोड़ के 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, 9 है, बहुत सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा होता है 4। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्या कहा इन्होंने, लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो लीस्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 1। नहीं, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ये बात आप लोगों ने 6th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारा, सॉरी लीस्ट प्राइम नंबर हमारा होता है 2। अब अगर मैं इन दोनों का निकालूं HCF, अगर ये मेरा x है और ये मेरा y है, तो अगर हम इन दोनों का LCM निकालें, LCM ऑफ XY, तो LCM कितना आएगा, 4 आएगा। और HCF निकालूं XY का, तो HCF कितना आएगा, 2 आएगा, 4 और 2 आ गया। निकालना क्या है दोनों का रेशो, LCM और HCF का रेशो। तो अब पूरा सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में ये एक फ़ायदा होता है कि आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो LCM अपॉन HCF इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2:1, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में इसने क्या कहा, सेकेंड पार्ट में इसने कहा वैल्यू ऑफ K फॉर विच दिस इक्वेशन कॉइंसाइड इज। कॉइंसाइड की कंडीशन क्या होती है, कॉइंसाइड की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 को लगा देते हैं इसमें सीधा सीधा। इसमें पूरा मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, रीज़न ही बिंग कि आपका MCQ बेस्ड है, तो आप जितना जल्दी जितना स्पीडली आप क्वेश्चन कर पाएँ उतना अच्छा है आपके लिए। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। a1 क्या हो गया हमारा 5, a2 क्या हो गया 15, b1 क्या हो गया 7, ये कितना हो गया 21, और ये कितना हो गया 3 अपॉन k। तो ये 1 अपॉन 3 आ रहे हैं दोनों, तो ये भी कितना होना चाहिए, 3 अपॉन k किसके इक्वल होना चाहिए, 1 अपॉन 3 के। और इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 3 3 9, विच इज़ ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, आई थिंक समझ में आ गई। चलिए कह रहा है गर्ल वॉक 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इज। स्टार्टिंग पॉइंट से गर्ल के डिस्टेंस क्या है, तो पहले इसका हम प्लॉटिंग करेंगे किस तरह से होगा। अब आपको पता है कि ईस्ट की डायरेक्शन इधर होती है एंड नॉर्थ की डायरेक्शन इस तरफ होती है, तो इसने कहा कितना जा रहा है, 200 मीटर हमारा ईस्ट जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पहुँचा, सपोज उसने ओ से शुरू किया था, ओ से कहाँ पहुँची वो, ए पे पहुँची, और फिर ए से कहाँ जा रही है, 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। सपोज वो बी पॉइंट पे पहुंचे, नाउ व्हाट यू हैव टू टेल, यू हैव टू टेल द डिस्टेंस ऑफ गर्ल, दैट मीन्स बी की पोजिशन ओ से, दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, ओ बी। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है, सिंपली पाइथागोरस लगानी है तो लगा देते हैं। हमें फाइंड करना है ओ बी का स्क्वायर, दैट मीन्स ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 200 स्क्वायर प्लस, ठीक है, 200 का स्क्वायर कितना हो गया, 40 हो जाएंगे, प्लस 225 and 20, इन दोनों को ऐड करेंगे 625 and 20। अब इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, सॉरी 625 into 100, इस तरह से इसे लिख सकते हैं। ये किसका, 25 का, और ये किसका, 10 का, दैट मीन्स 25 into 250 मीटर, 250 मीटर इज ऑप्शन नंबर बी, एज सिंपल एज दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है,
लेंथ ऑफ डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस आर दिस एंड दिस, दैट मीन्स आपको सिंपली एक रोम्बस के दो डायगनल्स गिवन है. तो रोम्बस के डायगनल्स क्या होते हैं, डी वन एंड डी टू. डी वन कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर, डी टू कितना गिवन है 32 सेंटीमीटर. क्लियर. देन द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, आपको इस रोम्बस का अल्टीट्यूड बताना है. अब हमें पता है कि रोम्बस के अल्टीट्यूड और डायगनल में डायरेक्टली तो कोई रिलेशन होता नहीं है. रिलेशन किसके साथ होता है, एरिया के साथ. तो अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस के क्या फॉर्मूले होते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस के एक होता है 1/2 डी वन डी टू, एक होता है बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ये होता है. क्लियर है जी, होता है. तो अब बात आती है कि यहाँ तक तो ठीक है, हमें डी वन पता है, डी टू पता है, लेकिन ना हमें बेस पता है ना हमें ऑल्टीट्यूड पता है. दैट मीन्स हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा. बेस के लिए हम आएंगे अपने डायग्राम पे. अब डायग्राम में हमें पता है कि रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं. ये सारे एंगल 90 डिग्री, तो आप कोई भी एक ट्राइंगल उठा सकते हैं. अब मुझे पता है ये वाली लेंथ कितनी है, 32 सेंटीमीटर है, और ये वाली लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर है. तो अगर मैं ए बी और ओ, अगर मैं ए ओ बी अलग से एक ट्राइंगल लूँ, ए ओ बी की बात करूं, तो अगर मेरा पूरा ए बी सी डी, अगर मेरा डी बी पूरा का पूरा 32 है, तो मेरा ओ बी कितना होगा, 16 सेंटीमीटर. सिमिलरली अगर मेरा ए सी पूरा का पूरा 24 सेंटीमीटर है, तो मेरा ए ओ कितना होगा, हाफ होगा 12 सेंटीमीटर. क्लियर है. नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट ए बी. ए बी क्यों कैलकुलेट किया, बिकॉज वी हैव टू फाइंड एनी वन साइड, क्योंकि बेस मतलब कोई भी एक साइड हम ले लेंगे, जिस भी साइड पे हम एल्टीट्यूड डाल रहे हैं, क्योंकि चारों एल्टीट्यूड और चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. तो चलिए हम इसका निकालते हैं ए बी. तो ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाइथागोरस लगाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना 144, 16 स्क्वायर कितना 256, इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आया 400. दैट इज ए बी मेरा कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ए बी आ गया 20 सेंटीमीटर. ठीक है जी, अब इस फॉर्मूले में लगाएंगे, अब इस फॉर्मूले में लगाते हैं हम. तो ये हो गया 1/2 डी वन कितना 24 इंटू 32 इज इक्वल्स टू बेस कितना 20 इंटू ऑल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है. ये कितना हो गया 12, 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9/5 इज इक्वल्स टू ऑल्टीट्यूड. अब बताओ किसके आसपास आ रहा है, 19 × 5 = 95, 5 × 2 = 10, 19.2 आसपास इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी. आई थिंक बस समझ में आ गई कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. फाइव में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, टू फेयर कॉइन्स आर टोस्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट, एट द मोस्ट वर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वन है. ठीक है, तो टोटल कंडीशंस कितनी बनेंगी हमारे, दो कॉइन टोस्ट किए गए हैं, तो टोटल कंडीशंस बनेंगी हमारी हेड हेड, और कौन सी बनेगी, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल. तो टोटल कंडीशंस कितनी बनेंगी, 4. इसने कहा एट द मोस्ट वन हेड, मैक्सिमम कितना हेड आना चाहिए, 1, उससे कम आए ना कोई फर्क नहीं पड़ता. एट द मोस्ट वन हेड में एक तो ये कंडीशन हो गई, एक ये कंडीशन हो गई, और एक ये कंडीशन हो गई. तो इसमें हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट आएगी वो कितनी आएगी, टोटल आउटकम्स कितने 3, और आउटकम्स कितने इतने, और टोटल कितने थे 4, तो 3/4 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए. चलो ये देखते हैं, ये सही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है वैसे इस क्वेश्चन में भी. इसने कहा कि ए बी सी और पी क्यू आर हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इफ ए एम एंड पी एन आर ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, एंड ए बी स्क्वायर इज टू पी क्यू स्क्वायर इज टू 4:9, देन ए एम इज टू पी एन कितना होगा. सिंपल क्वेश्चन है, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर गिवन है, तो ए बी अपॉन पी क्यू निकाल लेंगे पहले. तो हमारा ए बी अपॉन पी क्यू कितना आ जाएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका करेंगे तो 2/3 आएगा. और हमें पता है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के ऑल्टीट्यूड का रेशियो भी क्या होता है, सेम होता है उसके साइड्स के रेशियो के. दैट मीन्स अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमारा होगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एन एंड विच इज इक्वल टू 2/3 एंड विच इज दिस इज ऑप्शन नंबर डी. आई थिंक बात समझ में हो गई होगी. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेवन में कह रहा है इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस फाइंड बीटा, बीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सिंपली हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा को। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर बीटा या साइन स्क्वायर बीटा किसकी वैल्यू हम किसी दूसरे में पुट कर सकते हैं, तो कॉस बीटा के निकाल लेते हैं। हम कॉस बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा की, वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा आई कैन पुट विद द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू ये आ गई, ये यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो ये मेरा हो गया टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू टू। इसे सॉल्व करेंगे तो टू ये और वन ये ऐड हो जाएगा थ्री साइन स्क्वायर बीटा, और ये माइनस वन उधर जाके ऐड हो जाएगा थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, दैट इज साइन बीटा मेरा कितना आ गया, साइन स्क्वायर बीटा वन है तो साइन बीटा भी कितना आएगा, वन आएगा। और वन आने की कंडीशन कौन सी होती है, साइन थीटा की, जीरो पे नहीं, क्योंकि साइन जीरो जीरो, साइन नाइन्टी प्लस साइन नाइन्टी इज इक्वल्स टू वन। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आई थिंक बात समझ में आ गई। 45 की वैल्यू 1/√2, 30 की वैल्यू 1/2। चलो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर एट में क्या कह रहा है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ये क्वेश्चन सिर्फ देख के सॉल्व हो जाएगा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ ए रेशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन 14.123। जब इसे मैं सॉल्व करूंगी तो ये मेरा कितना आ जाएगा, नीचे 1000 आएगा, और 1000 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं, 10 का कोई भी मल्टीपल हो उसके सिर्फ दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो दो या तो पाँच, उसके अलावा कोई और फैक्टर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो देखिए इसमें 3 है ये कट गया, इसमें 3 है ये भी कट गया, इसमें 3 है ये भी कट गया, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, द लाइंस एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी आर, दोनों लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, ओवरलैपिंग होंगी, नन ऑफ दीज होंगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं अपना कार्टेशियन प्लेन देखूं तो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, करेक्ट। अब एक्स इज इक्वल टू ए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वैसे पॉजिटिव दिया उन्होंने, इस पे कहीं यहाँ से यहाँ तक कहीं भी लाइक कर सकता है इस तरह से, फिर आज एक्स इज इक्वल टू ए यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, अगर मैं वाई इज इक्वल टू बी प्लॉट करूँ तो वाई इज इक्वल टू बी कहीं वाई से ऊपर इस तरह से कहीं भी होगा, कोई भी वैल्यू हो बी की कोई मैटर नहीं करता, कहीं ना कहीं जाएगा ही ऊपर तक। तो इस केस में क्या हो रहा है, बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल है नहीं है, ओवरलैपिंग है नहीं है, नन ऑफ दीज है नहीं है, क्या होगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन हमारा क्या होता है, जीरो 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 जीरो, हमारा एक्स वन वाई वन हमने एज्यूम कर लिया, ये हमने एक्स टू वाई टू एज्यूम कर लिया, एंड यूज द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, एक्स टू कितना है, एक्स टू है मेरा माइनस फाइव माइनस जीरो, माइनस जीरो सेम ही ना, माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस जीरो दैट इज सिक्स का होल स्क्वायर, पाँच पूरे पच्चीस, छः चार छत्तीस, पच्चीस और छत्तीस को जब मैं ऐड करूँगी तो रूट 61 विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इफ़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू इतना देन ए इज, ए क्या है हमारा, रेशनल है, इरेशनल है, होल नंबर है, इंटीजर है। तो देखिए फर्स्ट लुक में बच्चे देखेंगे सोचेंगे ये तो रेशनल है, बट ये रेशनल नहीं है। किस तरह से होगा, हम पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट 23 अपॉन 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। तो अब ये देखिए ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, इरेशनल होती है, दैट मीन्स ये मेरा क्या है, इरेशनल है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, 12 भी सिंपल क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 36, एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज 2, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें पता है कि हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स होता है फॉर्मूला। तो एलसीएम कितना, 36 इंटू 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स इंटू 18, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए x निकाल लेते हैं, हमारा 36 इंटू 2 अपॉन 18, 15 टू टाइम्स 2 टू जा 4, ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इज इक्वल टू रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, चलिए एक ट्राइंगल है हमारे पास जो कि राइट एंगल है, इस तरह से अगर मैं बनाऊँ तो ये मेरा b है, ये a मैंने अज्यूम कर लिया और ये मैंने
सी एज्यूम कर लिया, ठीक है जी। अब इन्होंने कहा कि टेन ए कितना, रूट थ्री, और मुझे पता है कि टेन ए की वैल्यू जब मैं रूट थ्री रखती हूँ तो किसकी वैल्यू होती है, 1060 की वैल्यू होती है, आई थिंक यू ऑल नो दैट। तो मेरा एंगल ए कितना आ गया, 60 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री सिंपली, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। चलिए अब हमें पता है ए की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, सीधा सीधा पुट करते हैं। तो कॉस ए कितना, 60 इंटू कॉस सी, सी मतलब कॉस 30 माइनस साइन ए, दैट मीन्स साइन 60, साइन सी कितना 30। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। चलिए कॉस 60 जल्दी जल्दी वैल्यू बताएंगे, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये आ गई √3/4 माइनस √3/4 विच इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज अवर ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी। ओके चल नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ऑप्शंस में उसमें लिखना भूल गई थी, सॉरी कोई नहीं, बी ऑप्शन है इसमें, ठीक है। चलिए इसमें ऑप्शन लिख लेती हूँ, ए हमारा है 0, बी हमारा है 1/2, सी हमारा है 1 एंड डी हमारा है √3/2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, इफ़ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ दिस, लार्जेस्ट एंगल हमारा सी है, तो दैट मीन्स अगर मैं इसे ए एज्यूम करूँ, इसे बी एज्यूम करूँ और इसे सी एज्यूम करूँ, मेरा ए कितना हो गया एक्स, लेट कर रहे हैं हम, बी कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और सी मेरा लार्जेस्ट एंगल है 2, दैट मीन्स 2x हो गया, और तीनों एंगल्स का सम क्या होता है एक ट्राइंगल के 180 डिग्री, दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एक्स प्लस एक्स प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज़ x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, x आ गया 45 डिग्री, दैट मीन्स एंगल ए मेरा आ गया 45 डिग्री, एंगल बी कितना आ गया 45 डिग्री, एंड एंगल सी कितना आ गया 90 डिग्री, दैट मीन्स इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, सिंपल कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, सीधा सीधा इसमें पुट करेंगे। चल पुट करते हैं, sec 45 अपॉन cosec 45 माइनस tan 45 अपॉन cot 45। चलिए sec 45 की वैल्यू, sec 45 की वैल्यू √2 अपॉन cosec 45 की वैल्यू भी √2, ठीक है, माइनस tan 45 की वैल्यू 1, cot 45 की वैल्यू 1, दिस इज इक्वल्स टू 1-1 एंड 1-1 इज इक्वल्स टू 0, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस इतना इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर, कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस एक सर्कुलर व्हील करेगा, ठीक है। एक सर्कुलेशन में पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन वन सर्कुलेशन, डिस्टेंस कवर्ड इन वन सर्कुलेशन, तो एक सर्कुलेशन में कितना करेगा, एक व्हील है तो जितना उसका सर्कमफ्रेंस होगा, और कितना सर्कमफ्रेंस होता है व्हील का, 2πr, ठीक है जी, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7, 7 से 7 कैंसिल, 4.4 मीटर करेगा एक रिवॉल्यूशन में, ठीक है, हाँ मीटर में है दोनों, साइन भी याद रखना पड़ता है ना, इन मीटर इज इक्वल्स टू 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/4.4 रिवॉल्यूशन, और टोटल कितना है 176 मीटर इज इक्वल्स टू 176/4.4, ठीक है, ये 0 आई। अब इसे कट करेंगे, 11 एकम 11, 11 छिंक 66, 11 चौक 44,
चार चौक 16, नंबर ऑफ सर्कुलेशंस कितने आ गए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने आ गए 40, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 में क्या कह रहा है, 16 में कह रहा है एक ए बी सी इस तरह से है कि ए बी इतना है, बी सी इतना है, सी ए इतना है और दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, एंड इफ एंड ई एफ इज इक्वल्स टू इतना एंड पैरामीटर ऑफ डी ई एफ हमें फाइंड करना है। तो सिंपली ये चीज़ याद रखो कि अगर दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो उनके पैरामीटर्स का रेशो भी क्या होगा, वो सेम होगा एज देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, एरिया के केस में क्या होता था, स्क्वायर होता था, पैरामीटर के केस में सेम रहता है। दैट मीन्स पैरीमीटर ऑफ ए बी सी अपॉन पैरीमीटर ऑफ डी ई एफ इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन, बना लेते हैं दोनों ट्राइंगल्स ताकि आसान हो जाए, ए बी सी एंड डी ई एफ, तो ए बी के साथ डी ई तो हमें पता नहीं, तो हम कौन सा लेंगे, बी सी अपॉन ई एफ, क्योंकि हमें ई एफ भी पता है और बी सी भी पता है। ठीक है जी, अब हमें निकालना है पैरीमीटर ऑफ ए बी सी, हमें किसका पैरीमीटर गिवन है, हमें किसी का पैरीमीटर गिवन नहीं है, हमें सारी वैल्यूज गिवन है ए बी सी की। तो ए बी सी का पैरीमीटर तीनों का सम हो जाएगा सिंपली 3 + 2 + 2.5 अपॉन पैरीमीटर ऑफ डी ई एफ इज इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू कितनी है 2/4। ठीक है जी, चल 2 × 2 = 4 इसे ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया 7.5 × 2 इज इक्वल्स टू पैरीमीटर ऑफ डी ई एफ, कितनी वैल्यू आएगी, ऑप्शन नंबर भी 15 आएगी ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, सॉरी 16 हो गया, 17 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, इन फिगर इफ डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज 3 cm, बी डी इज इक्वल टू 4 cm एंड बी सी इज इक्वल टू 14 cm, देन फाइंड डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि जब ये पैरेलल है तो उस केस में हमारा क्या होता था, इनका जो रेशो होता था वो इक्वल होता था, किस तरह से होता था, ए डी अपॉन पूरा वाला, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सिमिलरली ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी सी। ये बात सबको पता है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, डी ई, हमें गिवन क्या क्या है, हमें ए डी गिवन है, हमें ए बी, ए बी कहाँ से आ गया, हाँ ए बी आएगा ना, हमें ए बी गिवन नहीं है लेकिन हम ए बी से ही यूज़ करेंगे, ए ई और ए सी का हमारा कोई यूज़ है नहीं। ठीक है, हमें सिंपली डी ई कैलकुलेट करना है, बी सी हमें पता है, तो हम ये वाला रेशो निकालेंगे। तो ए डी की वैल्यू तो हमारी हो गई 3 cm और ए बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डी प्लस डी बी लिख सकती हूँ, दैट इज ए डी प्लस डी बी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी सी कितना है 14। ठीक है जी, लेट्स कैलकुलेट इट, 3 + 3 + 4 = 7 इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन 14, 7 × 2 = 14, 3 × 2 = 6, तो डी ई की वैल्यू कितनी आ गई 6 cm। क्वेश्चन है, लिखने में थोड़ा सा लगेगा लेकिन बहुत ईजी है। इसे कैसे करेंगे, 10β को इसे मैं लिख सकती हूँ 3/4, सिंपली लिख सकती हूँ, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा मैम जी। अब देखिए इस वाले में मैं क्या करूँ, cos बीटा कॉमन ले लूँ, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऊपर से cos बीटा कॉमन लूँ, इसमें तो cos बीटा है नहीं तो डिवाइड में चला जाएगा, 4 sin β / cos β -3 cos β, तो कॉमन चला गया तो वो सिंपल वन रह गया, -3 रह गया। नीचे वाले में से भी जब हमने cos बीटा कॉमन लिया तो इसमें क्या हो गया, 4 sin β / cos β एंड +3, सिंपली यहाँ तक बात समझ में आ गई, cos बीटा से cos बीटा कैंसिल, sin upon cos 10, अब हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू है, ये हमारा आ गया 4 tan β - 3/4 tan β + 3। नाउ पुट द वैल्यूज, 3/4 रखेंगे तो 4 × 3/4 - 3/4 × 3/4 + 3, 4 से 4 cancel, 3 - 3 = 0/6, वैल्यू कितनी आ गई 0, विच इज ऑप्शन नंबर, ऑप्शन मैंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं, आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर है,
दिस इज ऑप्शन नंबर ए. ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं. होती रहती हैं छोटी मोटी गलतियाँ, लेकिन ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन दिस द सेकंड इक्वेशन कैन बी. बहुत सिंपल होता है, हमें पता है डिपेंडेंट इक्वेशंस की कंडीशन क्या होती है, दैट ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू. तो चलिए फिर चेक करते हैं ये कंडीशंस होती हैं कैसे. चेक करेंगे, देखिए ए क्या है मेरा, ए वन कितना है माइनस फाइव. अब माइनस फाइव का सबके साथ रेशो टू ही आ रहा है, मुझे सारे दिख रहे हैं टेन है, ठीक है. तो किस तरह से करें, माइनस फाइव अपॉन टेन कितना आ गया माइनस वन अपॉन टू, लेकिन ये कितना आएगा प्लस वन अपॉन टू. तो ये कंडीशन नहीं आएगी, इस पे आते हैं. इसमें माइनस फाइव और माइनस टेन तो प्लस वन अपॉन टू आएगा, और ये वाला करेंगे तो माइनस वन अपॉन टू आएगा. तो ये वाली कंडीशन भी नहीं आएगी. फिर इसमें देखते हैं, ये माइनस माइनस है, दोनों प्लस आएंगे दैट मीन्स वन अपॉन टू. ये भी दोनों प्लस आएंगे दैट इज़ वन अपॉन टू. लेकिन इसमें देखिए इक्वल टू में उधर है, दैट मीन्स अगर मैं इसे इधर लेके आऊँगी तो ये कितना आएगा माइनस टू आएगा इक्वल टू जीरो, ऐसे ही तो आएगा. तो इसे जब मैं सॉल्व करूँगी माइनस टू अपॉइंट फोर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉइंट टू. तो ये कंडीशन भी नहीं होगी. तो कौन सी कंडीशन होगी, ये होगी. लेकिन फिर भी एक बार चेक करेंगे, तो माइनस फाइव अपॉन वन अपॉइंट टेन माइनस वन अपॉइंट टू प्लस सेवन माइनस फोर्टीन माइनस वन अपॉइंट टू इज इक्वल टू में ये, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, सीधा यही यूज़ करेंगे टू अपॉन माइनस फोर अगेन माइनस वन अपॉइंट टू. दिस कंडीशन इज एब्सोल्युटली राइट. ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं. 20 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉबिलिटी का क्वेश्चन है. ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रॉबिलिटी दैट इट इज ए लेटर ऑफ वर्ड. ठीक है, तो हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने वर्ड्स होते हैं, 26 होते हैं. तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे, 26 हो गए. उसमें से क्या क्या हम चूज कर सकते हैं, एम चूज़ कर सकते हैं, ए टी एच ई, दोबारा एम आ गया तो इसे चूज़ नहीं कर सकते, एक बार चूज़ कर चुके. ए भी नहीं कर सकते, टी भी नहीं कर सकते, आई कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, एस कर सकते हैं. तो टोटल कितनी कंडीशंस हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स 8 दैट इज 4 अपॉन 13 एंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. आई थिंक बात समझ में आ गई होगी. चलो इसी के साथ सेक्शन ए हो गया खत्म, अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ. तो लेट्स गो. चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं. सेक्शन बी, अब इसके आगे हम शुरू कर रहे हैं सेक्शन बी, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बट मज़ा आने वाला है. चलिए शुरू करते हैं किस तरह से क्वेश्चन करेंगे. बहुत इजी क्वेश्चन है. क्या कह रहे हैं, दैट इफ सम ऑफ टू नंबर इज 1215 एंड देयर एचसीएफ इज 81 देन पॉसिबली नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर, कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे. अब हमें पता है कि हमारे दो नंबर्स का सम कितना है, 1215 है. सपोज मैंने x और y लिया, दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 1215 है. ठीक है जी, एंड देयर एच सी एफ इज 81. अब एच सी एफ क्या होता है, एच सी एफ इज हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 81 आएगा. दैट मीन्स दोनों ही 81 के क्या होंगे, डिविजन होंगे, डिविजिबल होंगे दोनों. दैट मीन्स अगर मैं x को अज्यूम करूँ तो x को मैं 81m और y को मैं 81n अज्यूम कर सकती हूँ. फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ा ना क्वेश्चन पे. ठीक है जी, तो ये मैंने जब पुट किया तो 81m प्लस 81n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1215. m प्लस n, 81 कॉमन आ जाएगा, 1215 अपॉन 81. आप इसे कट करेंगे जब तो ये आएगा 15. कितना आएगा, 15 आएगा. ठीक है, आप चाहे तो डिवाइड करके देख सकते हैं. तो m प्लस n मेरा कितना आ गया, 15. अब हमें बनाने हैं पेयर्स. कैसे पेयर्स बनाने हैं, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर की ऐसा कौन सी वैल्यूज़ हैं एम और एन की कि हमारा उनका सम कितना आए, 15 आए. और दोनों क्या होने चाहिए, क्योंकि एच सी एफ तो निकल चुका तो अब कोई कॉमन वैल्यू तो दोनों के बीच में होगी नहीं. तो सिंपली हम पेयर्स बनाएंगे. तो देखिए एक मेरा बन सकता है 1 and 14 का, बन सकता है दोनों प्राइम को प्राइम नंबर्स. उसके बाद फिर मैं 2 पे आऊँ तो 2 and 13 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है. 2 plus 13 15 होते हैं, और 2 और 13 के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता है. 2 और 13 के बाद 3 पे आए 3 और 12, फिट 3 और 12 नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर होता है. तो 3 और 12 नहीं होगा. उसके बाद 4 and 15 था ना, 4 and 11 होगा, बिल्कुल होगा. उसके बाद 5
फाइव एंड टेन नहीं होगा, सिक्स सिक्स एंड नाइन नहीं होगा, सिक्स और नाइन दोनों में क्या होता है, थ्री कॉमन होता है. उसके बाद कौन आएगा, सेवन एंड एट, ठीक है, सेवन एंड एट फिफ्टीन फिफ्टीन. उसके बाद क्या कोई और नंबर आएगा, नहीं. अब रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, एट के बाद फिर से हम इलेवन फोर लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है. तो अब यहाँ पे मेरे कितने पेयर्स बन गए, फोर. फोर ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी. आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन बट अच्छा था. क्वेश्चन नंबर 22 में ये इस तरह का कुछ डायग्राम दिया है और आपको कहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स. दो लाइन कौन सी है, ए बी और सी डी, दो लाइन्स है. इन दोनों लाइन से एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पे बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकालना है या ये वाला, तो थोड़ा ध्यान से देना. एक्स इज इक्वल टू जीरो मेरा वाई एक्सिस होता है हमेशा, ये जब आपको कार्टेशियन प्लेन पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले यही चीज़ बताई जाती है दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो एट वाई इज एट वाई एक्सिस एंड वाई इज इक्वल टू जीरो. अगर ये यहाँ पे वाई इज इक्वल टू जीरो निकाल देता तो हम निकालते एरिया सी या कुछ नाम रखते इस ट्राइंगल का. लेकिन अब इसने कहा क्या कहा, एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स मेरा वाई लाइन वाई प्लेन. तो अब मुझे एरिया किसका निकालना है, ए सी और डी का. क्लियर है, बस यही पॉइंट यहाँ पे क्लियर होना है. ट्राइंगल ए डी ई का आपको एरिया निकालना है, वन बाई टू बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो बेस कितना होगा और हाइट कितनी होगी. यहाँ पे मेरा बेस फोर से शुरू हो रहा है, वन तो फोर तो इधर है और माइनस वन एंड माइनस टू इधर है, तो टोटल कितना होगा, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स. टोटल लेंथ कितनी हो गई, सिक्स हो गई, ठीक है जी. जीरो भी तो है ना बीच में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स हो गया मेरा बेस. और हाइट कितनी होगी, हाइट होगी ये वाली, ठीक है जी. ये कितनी है, वन एंड टू, कितनी है टू. तो मेरा कितना आ गया, सिक्स स्क्वायर यूनिट, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी. आई थिंक बात समझ में आ रही हो. चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, टेन अल्फा प्लस टेन कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू वन, फाइंड टेन ट्वेंटी की टेन की पावर ट्वेंटी अल्फा प्लस कॉट की पावर ट्वेंटी अल्फा. अब हमें अभी यहाँ पे टू है, ठीक है, तो हमें टेन अल्फा और कॉट अल्फा की वो वैल्यू देखनी है जिसके लिए दोनों का सम कितना है, टू आए. टू किस कंडीशन आएगा, जब दोनों की वैल्यू कितनी हो, वन वन. वन वन कब होती है, जब अल्फा दोनों क्या होते हैं, 45 डिग्री, क्योंकि हमें पता है टेन 45 और कॉट 45 कितना होता है, वन. दैट मीन्स यहाँ पे मेरी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री. क्लियर, वर्बल क्वेश्चन है, वर्बल ही हो जाना है. अब यहाँ पे टेन 45 यानी कि 1 की पावर 20 प्लस 1 की पावर 20, 1 की पावर 20 1, 1 की पावर 20 1, तो सम कितना आएगा, सिंपल एज दैट. चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं. 24 भी देखने में बड़ा लंबे लंबे वैल्यूज इन्होंने दे दिया, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की, ये तो बड़ा लेंदी सा हो गया, बट इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल. देखो 217 आया है, 217 आया, 131 आया, 131 आया, दैट मीन्स तुम सम करोगे ना तो कॉमन आ जाएगा सब कुछ. चलो दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, ऐड बोथ इक्वेशंस. तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँ तो ये मेरा कितना आएगा, 643x प्लस 643x इज इक्वल टू 0317, ठीक है. दिस इज तो मेरा 346 आ जाएगा कॉमन और ये मेरा रह जाएगा x प्लस वाई. तो x प्लस वाई कितना आ गया, 1730 बटे 346. तो क्या आंसर आ सकता है, ज़ीरो आना है, फाइव ही आएगा. चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो के देख लो, पाँच चौक तीस, पाँच चौक बीस और तीन गया तेईस, पाँच तिया पंद्रह और दो 17. क्वेश्चन नंबर ए इज द आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं. टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू इज इतना, फाइंड दिस, ठीक है. दो प्राइम नंबर्स हैं का एलसीएम है इतना, ठीक है. पी और क्यू क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो एलसीएम तो मल्टीपल हो जाता है. दैट मीन्स इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल कितना है, 221. दैट मीन्स मुझे क्या निकालना है, 221 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. तो जब आप 221 के प्राइम फैक्टर निकालोगे तो वो आपके आएंगे कितने आएंगे भैया, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें आपको करनी पड़ेगी. मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें कैलकुलेशन कीजिएगा क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर तो होगा नहीं आपके. ठीक है, इसके फैक्टर आएंगे 17 एंड 30, ठीक है. इसके फैक्टर आ गए 17, दोनों प्राइम वैल्यूज़ हैं,
प्राइम फैक्टर्स ही इसने कहा था, दो प्राइम नंबर्स हैं पी और क्यू जिसमें 17 और 13 है, और बड़ा वाला कौन सा है, पी है, तो दैट मीन्स मुझे क्या निकालना है, 3 × 17 − 30, ये आपको सिंपली सॉल्व करना है। 17 × 51 − 13 कितना आएगा, 8, 4 में से क्या 36, सी देयर, चलो 26 देख लेते हैं। 26 में क्या कह रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं, करेक्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज नीदर किंग नॉर ए क्वीन, तो इसमें हम उल्टा करके लाते हैं, रिमेंबर इसमें हम क्या करके लाते थे, हम ये अज्यूम करके लाते थे कि हम जो कार्ड निकाल रहे हैं वो एक किंग होगा और या एक क्वीन होगा, तो किंग और क्वीन होने की कंडीशन क्या है, किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, क्वीन कितनी होती हैं, 4 होती हैं, तो टोटल कितने कार्ड हैं, 8 कार्ड्स हैं, कितने में से, 8 कार्ड आउट ऑफ 56, ये तो कंडीशन हुई जब हमने निकाला कि प्रोबेबिलिटी हमने निकाली दैट ईदर किंग और क्वीन, तो जब हम नीदर की निकालेंगे तो नीदर की कंडीशन में क्या होता है, नीदर की कंडीशन में 1 माइनस हो जाता है, 1 − 8/52, ठीक है, तो 52 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 44/52 दैट इज 11/13 ऑप्शन नंबर, एज सिंपल एज दैट, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, 28 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 में क्या कह रहा है, टू फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, तो जब हमने दो डाइस रोल की हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स हमारे होंगे 36, 6 × 6 दैट मीन्स डिवाइड में तो कितना आएगा, 36 आएगा, सिंपल। अब हमें निकालना है कि एटलीस्ट 5, तो उसके लिए पहले हमें कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी, तो 1 के साथ कितना आएगा, 1 आ सकता है, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, थोड़ा सा इधर से लिख लेते हैं, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 3, 4, 5 एंड 6, सिमिलरली 2 के साथ 1, 2 के साथ सारी कंडीशन आई हैं, 2 के साथ 5 एंड 2 के साथ 6, सिमिलरली 3 के साथ सारी कंडीशंस आएंगी, 4 के साथ सारी कंडीशंस आएंगी एंड 5 के साथ सारी कंडीशन आएंगी, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 एंड 5-6, और फिर 6 के साथ भी सारी कंडीशन आएंगी, ठीक है जी, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5, तो अब यहाँ से आपको देख के ही फेवरेबल आउटकम्स की आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या है, एटलीस्ट एक 5 आना है, एटलीस्ट एक 5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और मैक्सिमम दोनों भी आ सकते हैं, तो 11, टोटल हमारा कितना हो गया, 11 आउट ऑफ टोटल कितने थे, 36, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 + sin² α = 3 sin α cos α and you have to find cot α, ठीक है जी, चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इस 1 को ब्रेक करेंगे किस में, sin² α + cos² α लिख सकती हूँ मैं 1 को, सिंपली आइडेंटिटी होती है, sin² α एज इट इज़ रहा एंड ये तुम्हारा 3 sin α cos α एज इट इज़ रहा, तो ये मेरा हो गया 2 sin² α + cos² α = 3 sin α cos α, इसे इधर ले आएंगे, −0, ठीक है जी। चलिए 2 sin² α + cos² α − 3 sin α cos α, इसको cos स्क्वायर अल्फा को अगर मैं उधर लिख लूँ तो मेरा ये हो जाएगा sin² α + −3 sin α cos α + cos² α = 0, अब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसके जैसे ही कुछ बन गई। अब मुझे इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं, 2 एंड 1 के ऐसे फैक्टर करो कि 3 आए, तो 2 + 1 हो गया सीधा, सिंपली 2 sin² α − 2 sin α cos α + sin α cos α + cos² α = 0, चलिए इसे खोलते हैं, 2 sin² α − 2 sin α cos α
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, टू साइन स्क्वायर अल्फा, टू साइन अल्फा कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस, इसमें क्या जाएगा माइनस साइन के साथ कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कॉमन गया, अंदर फिर से बचा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो एंड टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड इसके हो जाएंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अब दो फैक्टर हो गए, टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स मुझे क्या निकालना है, जबकि मुझे निकालना है कॉट अल्फा। तो यहाँ पे मैं दोनों को जब अलग अलग जीरो के इक्वेट करूँगी कहाँ कर लूँ, यहीं कर लेते हैं, यहीं आ जाएगा, छोटा सा ही बचा है, बस थोड़ा सा ही बचा है। तो अलग अलग जब हम करेंगे तो ये मेरा टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ज़ीरो और इसमें से अगर मैं साइन अल्फा कॉमन ले लूँ तो ये मेरा हो जाएगा टू माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दैट इज़ कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे, टू आ गया। अब देखो कॉट अल्फा टू किस में है, इसमें। सिमिलरली आप जब दूसरे वाले को करेंगे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, उसमें भी साइन अल्फा कॉमन लेंगे तो वन माइनस कॉट अल्फा आ जाएगा, तो कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन, और ये वैल्यू सिर्फ कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, द वर्टिक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर ए बी सी डी की वैल्यू दी है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ठीक है, चलो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। If this is a parallelogram A, B, C and D, ठीक है जी, चलो इधर ही आ जाते हैं और ये हमने इन्हें दोनों को मिला दिया और ये मैंने पॉइंट अज्यूम किया वो। ठीक है, A की वैल्यू है 1 एंड 2, B की वैल्यू है 4 एंड y, C की वैल्यू है x एंड 6 एंड D की वैल्यू है 3 एंड 5। अब इसमें बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका तो यह है कि आप अपोजिट साइड्स को इक्वल कर लो, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, लेकिन उसमें अपोजिट साइड में क्या पंगा फंसेगा कि आपकी दो इक्वेशंस बन जाएंगे एक्स वाई में और क्वेश्चन हो जाएगा लेंथी। इसमें शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है कि हमें पता है कि इसके पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ये जो मेरा पॉइंट ओ है वो ए सी का भी बाइसेक्टर है एंड डी बी का भी बाइसेक्टर है। अगर मैं इसे एक्स और वाई तो हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई अज्यूम कर लेती हूँ, तो मेरे ओ के जब वो ए बी का मिड पॉइंट है, सॉरी मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, तो क्या होगा ओ इज इक्वल्स टू क्या होगा, वन प्लस एक्स अपॉन टू, वन प्लस एक्स अपॉन टू एंड दूसरा क्या होगा टू प्लस सिक्स एट अपॉन टू। ठीक है, सिमिलरली दूसरी बार मेरा ओ किसका मिड पॉइंट होगा, डी बी का, तो डी बी का मिड पॉइंट भी हम ऐसे ही निकालेंगे, थ्री प्लस फोर दैट मीन्स सेवन अपॉन टू, फाइव प्लस वाई अपॉन टू। अब देखिए और दोनों क्या होंगे, ओ तो सेम ही है, ओ तो कोई अलग अलग है नहीं, तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो अब जब आप इन्हें इक्वेट करेंगे, इसके वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं, वन प्लस एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू सेवन अपॉन टू किया, टू से टू कैंसिल, वन प्लस एक्स इज इक्वल टू सेवन दैट इज एक्स इज इक्वल टू सिक्स, सिमिलरली एट अपॉन टू दैट इज फोर इज इक्वल टू फाइव प्लस वाई अपॉन टू, फोर टू जा एट और फाइव सब्ट्रैक्ट हुआ तो थ्री, वाई की वैल्यू थ्री, एक्स की वैल्यू सिक्स एंड वाई की वैल्यू थ्री। ऑप्शन नंबर ए, देखो जानबूझ के इन्होंने सिक्स थ्री और थ्री सिक्स दोनों दिए हैं ताकि आप कन्फ्यूज हो और क्वेश्चन गलत करो, बट इसका ऑप्शन क्या आएगा सिक्स थ्री। ठीक है जी, चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि गिवन है ए सी बी, ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और देखो अगर मैं ट्राइंगल ए सी डी और ए सी बी में लूँ तो दो एंगल, एक एंगल तो इन्होंने इक्वल दिखा दिया और दूसरा एंगल, एंगल ए मेरा क्या है कॉमन आ रहा है दोनों में है, तो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे मेरे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। और सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी हमें पता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो तीसरा अपने आप हो जाता है एंगल, उसकी हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। तो आप किस किस में लोगे, इसके लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताया था कि अपना जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसे अलग निकाल लो। तो हम अपने ए डी सी को अलग निकाल लेंगे, किस तरह से निकालेंगे,
कि मेरा ए एक ही जगह ही रहे, लेकिन डी मेरा किसके इक्वल है, सी के, तो डी मेरा कहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, और जब डी ऊपर चला गया तो सी मेरा कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक है। अब मेरा ए सी बी सिमिलर है ए डी सी के, अब मैं रेशो सिंपली लूँगी, किस किस के लूँगी, ए सी डिवाइड बाय ए डी इज इक्वल्स टू सी बी डिवाइड बाय डी सी इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाय ए सी। अब देखो आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है ए सी, ए सी आपके पास दो जगह है, आपको गिवन है ए डी, आपके पास ए डी है, और आपको गिवन है बी डी, ठीक है, सॉरी बी डी आपको कैलकुलेट करना है, बी डी आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे बी डी चाहिए तो बी डी मैं ए बी से भी तो निकाल सकती हूँ, ए बी को मैं थ्री प्लस, अगर मैं इसे एक्स एज्यूम करूँ तो थ्री प्लस एक्स ले सकती हूँ ना, तो मुझे ए बी वाला फॉर्म चाहिए, दैट मीन्स मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा इन दोनों से काम हो जाएगा, बस अब सिंपल है। ए सी की वैल्यू आपकी 8, ए डी की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू 8, 8 8 जा 64 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू ए बी, और मुझे क्या निकालना है, x, दैट इज डी बी, और डी बी मेरा क्या होगा, ए बी माइनस ए डी, 64 बाई 3 माइनस 3, 3 3 जो 9, 64 माइनस 9 अपॉन 3 कितना आ गया, 55 अपॉन 3, ऑप्शन नंबर सी, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। 31 में क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी इज, ठीक है, एक हमें लाइन सेगमेंट दिया है ए और बी, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी, दिस इज 4 एंड 5 एंड दिस इज माइनस 2 एंड 3, ये एक लाइन है, ठीक है, अगर मैं इसे सी डी अज्यूम करूँ तो सी डी मेरी एक लाइन है जिसकी मुझे इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट मेरा सपोज ए बी सी डी ले लिया, ये मेरा पी पॉइंट है जिसकी वैल्यू है एक्स वाई, अब ये जो पॉइंट एक्स वाई है ये इसका बाइसेक्टर है, दैट मीन्स मैं एक्स वाई ईजीली निकाल सकती हूँ, तो चलिए पहले हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एक्स वाई, तो पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 माइनस 2 अपॉन 2 एंड 5 प्लस 3 अपॉन 2, दैट इज 2 अपॉन 2 1 एंड दिस इज 8 अपॉन 2 4, तो इसकी वैल्यू आ गई क्या, आ गई 4, अब दो वैल्यू आ गई 1 एंड 4, अब मुझे चार इक्वेशन गिवन है, तो मैं क्या करूँगी, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं मेरी जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगी वो मेरी इस लाइन की इक्वेशन होगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है पी वो इस लाइन पे लाई करेगा, लाई करेगा तो उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स मैं अलग अलग इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 4 पुट करके देखूंगी, जो भी सेटिस्फाई कर जाएगी वो मेरी इस लाइन की इक्वेशन होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पुट करते हैं, 2 माइनस 4 प्लस 7, तो 2 माइनस 4 प्लस 7 इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट एट ऑल, तो ये तो नहीं है, यहाँ 3 प्लस 2 चौके 8 माइनस 7, तो ये भी नहीं है, क्योंकि 3 प्लस 8 ही हमारा 11 हो गया, उसमें से 7 कट के 0 नहीं आएगा, इसमें देखते हैं 3 माइनस 4 माइनस 7, और 3 माइनस 4 माइनस 7 ये भी नहीं है, ये देख लेते हैं 3 प्लस 4 माइनस 7, यस दिस इज द इक्वेशन, यूज 3 प्लस 4 इज 7, 7 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, सो हमारी इक्वेशन कौन सी आएगी, 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चले इसमें देख लेते हैं, इन द गिवन फिगर, ये आपको एक फिगर गिवन है, डी इज द मिड पॉइंट, दिस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस सी बी, यू हैव टू फाइंड कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स, ये आपको 90 डिग्री गिवन है, लिखा नहीं है लेकिन इस तरह से गिवन है, तो 90 डिग्री होगा। अब हमें पता है कि हमारा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर मैं इन्हें ज्यूम कर लूँ तो मेरा कॉट एक्स की वैल्यू बताओ मुझे, कॉट एक्स की वैल्यू क्या होगी, कॉट एक्स क्या होता है, टेन का उल्टा, और टेन क्या होता है, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन वेट इसमें बेस ये वाला होगा, कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा, तो कॉट क्या होगा मेरा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, बेस कितना, बेस मेरा ए सी, और परपेंडिकुलर कितना, एक्स के लिए मैं ले रही हूँ, तो ए सी डी वाला ट्राइंगल लूँगी, दैट इज सी डी, ठीक है। जब मैं अपना कॉट वाई निकालूंगी तो
तो कॉट वाई में मेरा बेस तो सेम ही रहेगा ए सी, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा मेरा सी बी। एंड सी बी को मैं सिंपली क्या लिख सकती हूँ, सी बी इज डबल ऑफ सी डी, क्योंकि डी क्या है मेरा मिड पॉइंट है, अगर ये एक्स है तो ये मेरा 2x है, तो इसे मैं डबल ऑफ सी डी लिख सकती हूँ। अब दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स आप करेंगे तो आपका ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा। चलिए करते हैं, इसके नीचे कॉट एक्स ले लिया सीधे सीधे, और इसके नीचे ए सी अपॉन सी डी ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, ये सी डी ऊपर जाके सी डी से सी डी कैंसिल, दिस इज 1:2, दैट इज 1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 वर्बली सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन है। इसने कहा द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 decimal points, 2 decimal के बाद। पहली बात, कि हमें ये चीज़ पता है कि हम जब किसी नंबर को टर्मिनेशन की बात करते हैं तो वो तभी टर्मिनेट होता है जब उसके डिनोमिनेटर में 2 or 5 हो, ये चीज़ हमें पता है। दैट मीन्स अगर मैं 1/13 को 100/13 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे डिनोमिनेटर में 2 13 आ जाएंगे, दैट इज 169 आ जाएगा, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। उसके बाद 10/13 वो भी नहीं हो सकता, तो अब ऑप्शन बचे 13/100 एंड 13/10। अब अगर मैं 13/10 करूँ कोई दिक्कत नहीं है जी, 13/10 कर लो मैम, डिनोमिनेटर में तो 2 और 5 ही आएगा एग्जैक्टली, लेकिन टर्मिनेशन 0.1 1 decimal के बाद हो जाएगा। और इसने क्या कहा, शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इस डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 decimal points, तो 2 decimal points की कंडीशन कौन सी आएगी, ए, एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए इस पे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ए, ये मैंने लिखा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि लिखने में सारा बोर्ड मेरा गिर जाता है, तो मैं पढ़ देती हूँ क्या कह रहा है इसमें। ये साइड्स ए बी एंड बी 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 ई ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल डेट बी, ये वाला एंगल राइट एंगल है, आर ऑफ लेंथ ये 16 सेंटीमीटर गिवन है, ये 8 सेंटीमीटर गिवन है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर एफ डी बी जी, ये जो मेरा एफ डी जी बी राइट वो बना है इंस्क्राइब्ड स्क्वायर है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड। अब एक साइड की बात है तो वो सारी साइड्स इक्वल ही होती हैं आपके स्क्वायर की, आपको इसकी साइड आपको निकालनी है, ठीक है। चलो थोड़ा सा सोचते हैं क्या करना है। ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एज वेल एज पैरेलल भी होती हैं, स्क्वायर इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली जो मेरी साइड है ये मेरी एक पैरेलल साइड है जो कि इस बड़े वाले ट्राइंगल को बीच में से कट कर रही है। अब ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है कि ये क्या है, इसके साइड्स को इक्वल रेशो में कट करेगी। तो अगर ये पूरा 16 मैंने अज्यूम किया और इसकी एक साइड मैंने x अज्यूम की, तो इसकी चारों साइड क्या होंगी, x होंगी। तो ये जब x होगा तो AF मेरा कितना हो जाएगा, 16 - x हो जाएगा, ठीक है। और जब हम नीचे वाला लेंगे तो नीचे वाला तो पूरा 8 ही लिया जाएगा, तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो अब हम लेते हैं इन एज एफ डी इज पैरेलल टू बी ई, सो ए बी अपॉन ए एफ इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन एफ डी, क्लियर है बात। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू 16, ए एफ की वैल्यू 16 - x, बी ई की वैल्यू 8, एफ डी की वैल्यू x, मल्टीप्लाई कीजिए 16x इज इक्वल्स टू 16 × 8 = 18 - 8x, इसे सॉल्व करेंगे 8x इधर आके ऐड हो जाएगा 24x इज इक्वल्स टू 16 × 8 था, इसे सॉल्व ही मत करो है ना, क्योंकि ये अभी कैंसिल हो जाएगा 16 × 8 / 24, 8 × 2 = 24, 3 से तो कटेगा नहीं, तो इसका आंसर आएगा 16/3 cm, सेंटीमीटर में ही है ना, हाँ ठीक है जी। चलिए एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट आर एंड एस इन रेशियो केस टू वन, इफ पी लाइज ऑन द लाइन दिस फाइंड। ठीक है जी, चलिए एक आर और एस है और इसके बीच में हमारा कोई लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन इन्होंने हमें दी है x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, और ये पॉइंट P है जो कि इसे केस टू वन के रेशो में कट कर रहा है। R की वैल्यू माइनस वन एंड थ्री, S की वैल्यू नाइन एंड एट। ठीक है, P अगर मेरा एक्स वाई है तो P की वैल्यू क्या आएगी, सेगमेंट फॉर्मूला लगाएंगे, K इंटू नाइन प्लस वन इंटू माइनस वन अपॉन K प्लस वन, ये तो हुई X की वैल्यू। और Y की वैल्यू क्या आएगी, इसी में अगर हम y की वैल्यू निकालें, k इंटू एट प्लस वन इंटू थ्री अपॉन k प्लस वन। ठीक है, x और y की वैल्यू है निकालिए, ना सॉल्व कीजिए, नाइन के माइनस वन, नाइन के माइनस वन अपॉन k प्लस वन एंड एट के प्लस थ्री अपॉन k प्लस वन। अब इसने कहा कि ये जो P पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो X की वैल्यू मैं ये पुट करूँ इसमें और Y की वैल्यू ये पुट करूँ तो मुझे मेरे K की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपली इसे मैं रेज कर देती हूँ और अपना वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ। X की जगह हम पुट करेंगे 9K माइनस वन अपॉन K प्लस वन माइनस 8K प्लस थ्री अपॉन K प्लस वन प्लस टू एंड इट शुड बी इक्वल टू जीरो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, के प्लस वन मेरा एलसीएम आया तो नाइन के माइनस वन माइनस एट के माइनस थ्री एंड प्लस टू के प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। के प्लस वन उधर जाके जीरो हो जाएगा, नाइन के में से एट के सब्ट्रैक्ट हुआ के और के में टू के ऐड हुआ के हुआ थ्री के, माइनस थ्री एंड माइनस वन माइनस फोर प्लस टू दैट मीन्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। तो k की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2/3 विच इज ऑप्शन नंबर ए। चल नेक्स्ट पार्ट देख लेते, सॉरी हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 में इसने हमें ये एक डायग्राम दिया है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, इसकी जो लेंथ है इसने मुझे 14 सेंटीमीटर दी है और कुछ नहीं दिया है। तो अब आप देखिए, अगर मैं ऊपर वाले और नीचे वाले पोर्शन को अलग अलग कर लूँ तो ऊपर मेरा एक सेमी सर्कल है, सिंपली सेमी सर्कल का एरिया सीधे सीधे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले में क्या है कि नीचे वाला मेरा एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, और उस रेक्टेंगल में से एक ये क्वाड एपल सर्कल और एक ये क्वाड, दो क्वाड है ना, और दो क्वाड मिलके क्या बन जाते हैं, सेमी सर्कल। दैट मीन्स अगर मैं इस वाले रेक्टेंगल पोर्शन में से ये वाला फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल एंड दिस फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे इस वाले का एरिया निकल जाएगा और दोनों को क्या कर दूंगी, मैं सिंपली ऐड कर दूंगी। ये हुई बात, अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलिए तो नीचे वाले का निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, पूरा एक साथ ही लेके चलते हैं, ऊपर वाला तो सिंपली सेमी सर्कल है और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाय टू। ठीक है जी, प्लस ब्रैकेट में डालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या एल इन टू बी माइनस एरिया ऑफ टू को टू फोर्थ पार्ट, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर बाय फोर प्लस पाई आर स्क्वायर बाय फोर। ठीक है जी, चलिए और तो कोई दिक्कत है नहीं, नहीं है आर की कोई दिक्कत ही नहीं है, आर हमारा कितना होगा इसमें, ये सेंटर होगा ना, हाँ तो ये सेवन होगा। ठीक है, तो पाई इंटू सेवन स्क्वायर बाय टू प्लस एल कितना है, एल है 14 इंटू सेवन माइनस, ये भी मेरा सिंपली टू ही हो जाएगा, तो पाई इंटू सेवन स्क्वायर अपॉन टू, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो ये मेरा सेवन स्क्वायर पाई बाय टू प्लस 14 इंटू सेवन माइनस सेवन पाई स्क्वायर बाय टू, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना आ गया 7 इंटू 14, और 7 इंटू 14 दैट इज़
98 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। एज सिंपल एज आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। चलिए हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 37 में कुछ इस तरह का आपको दिया है। फिर से मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिर्फ ऑप्शंस लिखे हैं और डायग्राम बनाया है। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन में कह रहे हैं, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। हर एक सर्कल की रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। इंटरेस्टिंग इन सच वे दैट द कोड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स इज ऑल्सो ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये जो कोड है ये भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। ऐसी चार कोड है चारों सर्कल में अलग अलग, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन्स एज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ द रिंग्स टू बी नेग्लिजिबल इज, ये जो डॉटेड रीजन है इसका आपको क्या बताना है? एरिया बताना है। मैं आपको एक सर्कल का बताऊंगी, फिर आपको बताती हूँ कि आगे कैसे करेंगे। मैं एक सर्कल बड़ा बना लेती हूँ ताकि वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। ये एक सर्कल है, दूसरा सर्कल इसको इस तरह से कट कर रहा है, ठीक है। दो सर्कल मैंने बड़े बना लिए और ये कोड है। इस सर्कल की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है और इसकी भी, और ये जो कोड है ये भी कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे जा देखते ही आपको ये पता चल गया होगा कि ये वाला जो ट्रायंगल मेरा बन रहा है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो वो एक में नहीं, वो चारों में इक्विलेटरल ही बनेगा। ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी। यानी कि अगर मैं इसे इधर भी मिलाऊँ तो ये भी क्या होगा? एक वो डैश अगर मैं ले लूँ तो ये भी क्या होगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। चलो तो मैम इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे बताते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हमें पता है कि हमारे इस वाले पोर्शन का, हमारे सेक्टर का एरिया क्या होता है। पता है सेक्टर का एरिया? सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 होता है। दैट मीन्स अगर मैं इसमें से इस ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया घटा दूँ, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन का एरिया मुझे पता चल गया। अगर मैं इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे ये पहला डॉटेड एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस वाले को हटाओ और इसे देखें तो इसमें मैं इस पोर्शन का एरिया निकाल सकती हूँ और उसमें से मैं ये वाला ट्राइंगल जब सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे ऊपर वाले डॉटेड का मिल जाएगा। दैट मीन्स मुझे 2 का मिल जाएगा। सेम इसमें भी 2 का निकलेगा, इसमें भी, इसमें भी। दैट मीन्स टोटल कितने एरियाज निकलेंगे मेरे ऐसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब मैं 8 को अलग अलग ना निकाल के सीधा सीधा 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ? कर दूँ? चलो जी कर देते। तो हमारा एरिया कुछ इस तरह से निकलेगा, 8 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 एंड माइनस एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल रूट 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए बस हो गया आपका क्वेश्चन, इतना ही था। थीटा कितना आएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना? 60 डिग्री। तो थीटा की जगह आप रखेंगे आर स्क्वायर, तो आपका 1 का स्क्वायर हो गया 60/360 माइनस 3/4 ए स्क्वायर, फिर से आपका 1 हो गया, 60 से 360 कैंसिल, 6 आ गया। तो ये आपका आ जाएगा 8π/6 माइनस √3/4। कौन सा वैल्यू आ रही है? ऑप्शन नंबर डी। है सिंपल एज दैट। सर बनाने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 38 देख रहे हैं। 38 में क्या कह रहे हैं? इफ 2 and 1/2 आर द जीरोज ऑफ दिस देन पी इज इक्वल्स टू, इनमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी? तो अगर ये दोनों इसके जीरोज हैं तो ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, दैट मीन्स ये मेरे इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। एक बार मैं 2 पुट करूं, एक बार मैं 1/2 पुट करूं, पर मैं ऐसा क्यों करूं? मैं ऐसा इसलिए करूं ताकि मेरी पी और आर में 2 इक्वेशंस निकल आए और मैं इसे सिंपली सॉल्व कर लूं। तो पहले 2 पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो ये मेरा बन गया 4p + 5 × 2 = 10 + r = 0, इक्वेशन नंबर हो गई 1। सिमिलरली एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 रखेंगे तो ये हो गया मेरा p/4 + 5/2 + r = 0। 4 एलसीएम लेंगे तो 4 + 10 + 4r / 4 जो था वो = 0, ठीक है। चल
अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं। कैसे करें? नीचे वाले में हम 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मेरा हो गया 4p प्लस 40 प्लस 16r इज इक्वल टू 0। इसे नीचे लेके आते हैं, 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 30 15, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 2। ठीक है, r की वैल्यू माइनस 2, 1 और 2, बाकी तो 2 हो गए तुम्हारे कैंसिल। अब तुम क्या निकालोगे, p की वैल्यू। r की वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं, 4p प्लस 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 8, तो 4p इज इक्वल टू माइनस 8, दैट इज p इज इक्वल टू माइनस 2। और कौन सा ऑप्शन है, p इज इक्वल टू r इज इक्वल टू माइनस 2, हमारा ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ठीक है, एक आपका सर्कल है, सर्कल है, उसके अंदर आपका इंस्क्राइब कौन है, स्क्वायर है। ठीक है, एक स्क्वायर जब एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होता है, तो उस सर्कल का जो डायामीटर, उस सर्कल का जो डायामीटर होता है, वो उस सर्कल का क्या होता, उस स्क्वायर का क्या होता है, डायगनल होता है। क्लियर है बात, सर्कल का जो डायामीटर होता है वो हमारे स्क्वायर का क्या होगा, डायगनल होगा। दैट मीन्स कि इसका जो सर्कमफ्रेंस हमारा कितना है, 100 है। दैट मीन्स हमें गिवन क्या है, 2πr इज इक्वल टू 100 गिवन है। तो r मेरा कितना आ गया, 100 अपॉन 2π। अब अगर ये a b c और ये d है, तो अब मुझे क्या पता है, ac मेरा कितना होगा, 2r होगा, दैट इज 100 अपॉन पाई होगा। ac मुझे पता चल गया, मुझे पता क्या करना है, साइड निकालनी है, दैट मीन्स मुझे निकालना है ad। तो अब मुझे क्या पता है, एक सर्कल के, एक स्क्वायर के अंदर क्या पता है, मुझे पता है कि डायगनल ऑफ सर्कल स्क्वायर क्या होता है, साइड रूट 2 होता है। आई थिंक सबको पता होगी ये बात, नहीं पता है तो आप इसमें सिंपली पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आपका इसका स्क्वायर आ जाएगा, और आप उसे सिंपली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए वो उसी से कर लेते हैं, छोड़ो, ये एक्स, ये एक्स, और ये मेरा हो गया 100 अपॉन पाई। पाइथागोरस जब मैं लगाऊंगी तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन पाई का होल स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन पाई का होल स्क्वायर, दोनों स्क्वायर तरफ का होल स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट 2x इज इक्वल्स टू 100 अपॉन पाई, दैट इज x इज इक्वल्स टू 100 अपॉन रूट 2 पाई, और रूट 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका आएगा। हाँ जी, सी आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस एंड दिस। तो ऊपर वाले को अगर मैं सॉल्व करूँ इसे, तो मेरा हो जाएगा 3 की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 243, 3 × 9 = 27, 81 = 243। तो कितनी आई, 3 की पावर 5 आई, 3 × 9 = 27 = 243, 5 आई। ठीक है, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। और इस वाले में अगर मैं करूँ तो इसमें क्या लिख सकती हूँ, इसे भी मैं 3 की पावर 5 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 0, दैट इज 5 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो x और y के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितनी ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं कि तुम्हारा x प्लस वाई 5 भी आए और x प्लस वाई 0 भी आए। क्या लगाएं, a1 upon a2 लगा लें, चलो a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2। अगर हम इसमें लगाएं, ये तो इक्वल टू 1 होगा ना, हाँ तो यहाँ 5 रहेगा, 5x5 रहेगा। ठीक है, a1 upon a2 दैट मीन्स 1 upon 5 इज इक्वल टू 1 upon 5 इज इक्वल्स टू 5 upon 1, दैट इज़ नॉट इक्वल टू। तो ये कौन सी कंडीशन होती थी, ये कंडीशन होती थी व्हेन देयर इज़ नो सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन आएंगे इसके,
options are 0, 1, 2, infinite. There are 0 solutions. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए. चलिए अपना सेक्शन सी देख लेते हैं. सेक्शन सी में हमारे 41 से 45 तक केस स्टडी 1 है और फिर 46 से 50 तक केस स्टडी 2 है. तो केस स्टडी 1 देख लेते हैं. फर्स्ट में क्या कह रहा है, एक फिगर गिवन है जो ये साइड में आप दिखाई दे रहा होगा आपको. द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड शोज द पाथ ऑफ ए डाइवर व्हेन द टास्क व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड. क्लियरली इट इज अ पैराबोला. क्लियर है. एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबव द वाटर लेवल. तो जो वाटर लेवल है उसका, उससे कितना अबव है वो, यहाँ पे कहीं डाइविंग बोर्ड है और इसकी हाइट कितनी है 48 फीट. यहाँ से वो ऐसे जंप करेगी. ठीक है जी, ठीक है. हर हाइट अबव द वाटर लेवल एट एनी पॉइंट. इस पैराबोला की इक्वेशन इन्होंने हमें दी है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला. ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है. एच टी गिवन है. 41 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के. इस के की वैल्यू हमें निकालनी है. तो अब अगर आप सोचो तो आपको क्या चीज़ पता है इस एच टी के बारे में. हमें इस एच टी के बारे में सिर्फ एक इवेंट पता है, व्हेन एट टी इज इक्वल्स टू जीरो. जब इनिशियली, जब वो खड़ी है, जब उसने डाइव करना स्टार्ट किया है, तो एट टी इज इक्वल्स टू जीरो उसकी हाइट कितनी है, 48 फीट है. है 48 फीट. दैट मीन्स मेरे एच टी की वैल्यू एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, एच टी कितना हो गया, एट टी इज इक्वल्स टू जीरो एच टी इज इक्वल्स टू 48. पुट करेंगे यहाँ पे टी जीरो रखा, दोनों जीरो हो गए, तो के इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 48, विच इज ऑप्शन नंबर, सिंपल है, सिंपल एज दैट. चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं. 42 में अब क्या कहा इसने, एट वॉट टाइम शी टच द वॉटर इन द पूल. किस टाइम पे वो पूल को टच करेगी. तो इसके लिए हमें निकालना क्या पड़ेगा, टी निकालना पड़ेगा. क्लियर है. तो वो जब पूल को टच करे, एच टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो. तो यहाँ पे हम पुट करेंगे एच टी की वैल्यू जीरो. जीरो इज इक्वल्स टू माइनस 16 टी स्क्वायर प्लस एच टी प्लस 48. अब हम इसे करेंगे सॉल्व. पहले 8 कॉमन ले लेती हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा सिंपल हो जाए. तो 8 जब मैं कॉमन लूँगी तो ये मेरा कितना रह जाएगा, 2 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 8 4 32 8 5 4 8 6 48 इज इक्वल टू जीरो. 8 उधर जाके कैंसिल हो गया, माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो. अब आपको टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो चलिए करते हैं, कैसे करें, पार्शल फ्रैक्शन कर लो, कुछ भी कर लो. ठीक है, चलिए फैक्टर कर लेते हैं. 6 × 2 = 12 और 4 × 3 = 12 माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 4 टी माइनस 3 टी. 4 × 3 = 12 और 4 में से 3 गया टी. ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 2 टी कॉमन गया तो अंदर बचा टी माइनस 2. माइनस 3 कॉमन गया तो अंदर बचा टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब देखिए टी की दो वैल्यू आ रही है मेरी, एक तो टी की वैल्यू आ रही है 2 और एक टी की वैल्यू आ रही है माइनस 3/2. देख रहे हो, चलो इसे पूरा ही सॉल्व कर लूँ. कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं. टी माइनस 2 हमारा कॉमन गया, अंदर रहा माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो t इज इक्वल्स टू 2 आ गया हमारा, और इसे रखेंगे तो माइनस 2t इज इक्वल्स टू 3, t इज इक्वल्स टू माइनस 3/2. इज इट पॉसिबल कि टाइम नेगेटिव में हो, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये कंडीशन तो बनेगी नहीं हमारी, बनेगी टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड की. और टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी. आई थिंक बात समझ में आ गई होगी. चलिए 43 क्वेश्चन देख लेते हैं. 43 क्वेश्चन में कह रहा है, रीताज हाइट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय द अनदर पॉलिनोमियल पी टी विद जीरोज. अब इन्होंने देखो आपसे कहा कि आप अबे पॉलिनोमियल बताओ. अभी ये वाला पॉलिनोमियल हम नहीं मान रहे हैं, अब हमने आपको जीरोज दे दिए. दैट मीन्स हमने आपको अल्फा दे दिया माइनस 1 और बीटा दे दिया 2. अब आपको पॉलिनोमियल निकालना है विच इज पी टी. और पॉलिनोमियल का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता था, अगर हम नॉर्मल x की फॉर्म में निकालते थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता था. तो इसमें भी जब हम निकालेंगे तो टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू टी प्लस अल्फा बीटा होता था. चलिए फॉर्मूला लगाएंगे, टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू टी माइनस माइनस 1 इंटू 2. ये हमारा हो गया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस माइनस
ये तो प्लस था ना, माइनस टू, ठीक है जी। एंड 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 ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका? अब ऐसा डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा हमें कोई डायरेक्ट ऑप्शन दिख नहीं रहा। सेकंड पार्ट में है तो उन्होंने यहाँ पे प्लस दे दिया, थर्ड पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में है, ए में नहीं है। चलो मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ पहले इसके, आप ऑप्शंस में से ज़्यादा अच्छे से इसे कर पाएंगे। बी मेरा हो गया टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस वन, सी में इन्होंने गिवन है 24 टी स्क्वायर माइनस 24 टी प्लस 48, एंड डी हमारा गिवन है माइनस 24 टी स्क्वायर प्लस 24 टी प्लस 48। अब देखिए मैंने ये वैल्यूज़ रख ली जो इन्होंने हमें दी हैं, क्या इससे और इसे मैच होता है? नहीं होता, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है और यहाँ सॉरी वहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है, तो ये कंडीशन नहीं होगी। इसे चेक करेंगे तो इसमें ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, नहीं होगी। इसमें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं होगी। इसमें दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इस पूरी वैल्यू में माइनस 24 की मल्टीप्लाई कर दूँ, हमें ऑप्शंस के हिसाब से बनाना पड़ेगा ना क्वेश्चन, तो माइनस 24 टी स्क्वायर प्लस 24 टी प्लस 48, ठीक है जी, और विच इज़ ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे एक के भी होता है विच इज़ ए कॉन्स्टेंट, जो आप लगा सकते हैं, क्योंकि किसी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने से हमारे पॉलीनोमियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 43 क्वेश्चन हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। 44 में क्या कह रहा है? हाँ जी, 44 में क्या कह रहा है? ए पॉलीनोमियल विद सम ऑफ जीरोज एज वन एंड प्रोडक्ट एज माइनस वन इज मॉडलिंग अनूज हाइट इन अबाउ द वाटर। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस बार आपको क्या कहा है? इस बार इसने कहा क्वेश्चन नंबर 44 में, इस बार इसने कहा दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज, हाँ जी सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस सिक्स। नाउ यू हैव टू अगेन फाइंड आउट द पीटी, ठीक है, पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, के टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू टी प्लस अल्फा बीटा। चलिए लगाते हैं, के एज इट इज़ रहेगा, टी स्क्वायर हमारा हो गया सेम माइनस अल्फा प्लस बीटा वन, तो सिंपल टी हो जाएगा और माइनस सिक्स, ठीक है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन में हमारा कुछ हमें लग रहा है, हाँ जी थर्ड में हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसमें के की जगह माइनस एट पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एट टी स्क्वायर प्लस 80 प्लस 848, विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इस केस स्टडी का। द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, अब आपको एक पॉलीनोमियल गिवन है 45 में, आपको क्या कह रहा है? क्या आपको एक पॉलीनोमियल गिवन है? क्या गिवन है? आर टी गिवन है, ये मैं रेज कर देती हूँ यहाँ से, आर टी गिवन है माइनस 12 टी स्क्वायर प्लस k माइनस 3 इंटू टी प्लस 48, ठीक है। जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, दैट मीन्स अल्फा और बीटा जो है मेरे एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव होने की कंडीशन मेरी क्या होगी? दैट मीन्स अल्फा अगर मेरा x है तो मेरा बीटा क्या होगा? माइनस x होगा। तो अगर नेगेटिव होंगे और मैं इन दोनों का सम निकालूंगी तो कितना आएगा? x माइनस x जीरो आ जाएगा। सम ऑफ जीरोज कितना आएगा? जीरो आएगा, ठीक है जी। और सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता था हमारा? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता था? माइनस बी अपॉन ए होता था, होता था, तो माइनस बी अपॉन ए रखेंगे, माइनस के माइनस 3 अपॉन माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, ये 12 इधर चला जाएगा, माइनस बी इधर चला जाएगा, तो के की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 3, विच इज ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हमारी ये वाली केस स्टडी खत्म हो गई है, सेकंड केस स्टडी देखते हैं। ओके चलिए देख लेते हैं केस स्टडी टू में क्या कह रहा है। एक हॉकी फील्ड गिवन है, ये हॉकी फील्ड इज़ द प्लेइंग सरफेस ऑफ द गेम ऑफ हॉकी, पूरा हॉकी के बारे में लिखा है उन्होंने, एंड देन दिस फिगर इज गिवन, ये डायग्राम गिवन है,
उसके बाद इसने क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चन नंबर 46 में यह क्या पूछ रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ई एच एंड जे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों ट्राइंगल के वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ई के, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देखिए 2 एंड दिस इज 1, एक्स 2 एंड वाई 1। ठीक है जी, एच एच के क्या हैं, एच के हैं तुम्हारे एक्स की वैल्यू -2 एंड वाई की वैल्यू +4। फिर है तुम्हारा जे, जे की वैल्यू है, जे के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 -2। ठीक है जी, अब हमें क्या निकालना है, सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 एंड दूसरा होता है y1 + y2 + y3/3। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, x1 x2 x3 रखेंगे तो 2 -2 -2/3 एंड दूसरा है 1 + 4 -2 है ये भी -2/3। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज़ तुम्हारी आ गई, क्या आ गई हमारी वैल्यूज़, 2 से 2 कैंसिल, -2/3 एंड दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 2 सब्ट्रैक्ट होगा 3/3, दैट मीन्स 1, -2 एंड 3 इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, 46 था 47 देख लेते हैं, थोड़ा सा इधर ही करना पड़ेगा, रीज़न बिंग की डायग्राम की हमें रिक्वायरमेंट होगी तो इसलिए थोड़ा सा इस साइड ही करेंगे हम क्वेश्चन को। 47 देख लेते हैं, 47 में क्या कह रहे हैं, 47 में कह रहा है, इफ़ ए प्लेयर पी नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी, अब ए और जी देखिए कहाँ पे है, सॉरी ए हमारा ये रहा और जी भाई साहब कहाँ है, अच्छा जी हम लगाना भूल गए हैं, जी यहाँ पर है, यहाँ पे है जी, ठीक है ये हमारा जी पॉइंट है, ई ए और जी के बीच में क्या होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, तो इक्वी डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे आप मिड पॉइंट भी लगा सकते हैं क्योंकि इक्वी डिस्टेंस होगा तो मिड पॉइंट भी होगा दोनों का। तो चलिए ए और जी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ए का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, 3 है, सॉरी ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3 एंड 6, और जी हमारे दूसरा क्या है, जी, जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 एंड -3। ठीक है, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस कौन सा पॉइंट होगा, तो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं करूँ तो मेरा मिड पॉइंट निकलेगा, वो 3 + 1 = 4/2, दैट इज 2, 6 - 3 = 3/2, कौन सा है ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर। ठीक है जी, हाँ जी, चल क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जल्दी से हो जाने, इसके बाद ज़्यादा बसते नहीं है क्वेश्चंस, टिपिकल सिंपल क्वेश्चंस पे आ जाता है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अब हमें एक्स एक्सिस पे बताना है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आई एंड ई, आई कहाँ है ये रहा, ई कहाँ है ये रहा, और पॉइंट कहाँ लेना है हमें, एक्स एक्सिस से, दैट मीन्स मिड पॉइंट तो नहीं होगा, और हमें पता है एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, वाई इज इक्वल्स टू 0, तो हमने अज्यूम कर लिया लेट पॉइंट्स हमारे हो गए क्या हो गए, एक्स एक्सिस पे वाई तो 0, तो और एक्स हमने अज्यूम कर लिया एक्स, अब इसकी डिस्टेंस दोनों से क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो आई के पॉइंट निकालने पड़ेंगे पहले हमें, आई के कोऑर्डिनेट्स, आई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -1 एंड 1, और हमारे ई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2 एंड 1। अब लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर ये पॉइंट मेरा पी ले लो, कुछ भी ले लो, पी तो नहीं लिया ना, पी ले लो, ठीक है, अगर ये पी है तो मेरा पी आई शुड इक्वल टू पी ई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट एक्स -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस, फॉर्मूला पता है ना सबको, क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐसे ही पी ई लगाएंगे तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर हमारा हो जाएगा x² + -, माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो x + 1 का होल स्क्वायर x² + 1 + 2x + 1 का होल स्क्वायर +1 इज इक्वल्स टू, इधर हम लगाएंगे, इधर भी होल स्क्वायर लगेगा, x² +
4 minus 4x and plus 1, x square se x square cancel, 1 and 1 2, 2x plus 2 is equals to minus 4x plus 5, 4x इधर आके ऐड हो जाएगा, 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6x हमारा कितना आ गया 3, दैट इज x हमारा कितना आ गया 1/2. तो हमारे पॉइंट्स क्या आ गए, 1/2 एंड 0, इसके पॉइंट आएंगे 1/2 एंड 0, और वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ही है इसका भी. ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं. देखिए चलिए, यार कहाँ रखा है आज. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ ए प्लेयर क्यू, ओके, सच दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम के इज, उसके डिस्टेंस के से, के कहाँ है हमारा, कहाँ है भाई, अच्छा ये रहे के लिखा है लेकिन सर्कल करना भूल गई. हिज डिस्टेंस फ्रॉम के इज ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम ई एंड के, ई एंड के, ठीक है. एंड एक और पॉइंट इन्होंने कहा दैट क्यू एंड ई आर कोलीनियर, के क्यू एंड ई आर कोलीनियर. तो देखिए कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बना लेते हैं. ये मेरा के पॉइंट है, ये मेरा ई पॉइंट है. के के कोऑर्डिनेट लिखेंगे पहले, माइनस फोर एंड वन, और ई के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे क्या आएंगे, टू एंड वन. पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, अधिकतर बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि इधर से y दिखाई दे रहा है, y पहले लिख दिया, ये जल्दी में कभी मत करना, आराम से करना, पहले x आएगा फिर y आएगा. अब इन्होंने बीच में कहीं कोई पॉइंट लिया q, अब इन्होंने कहा दैट हमारा जो q है वो इस तरह से है कि उसकी डिस्टेंस, q k की डिस्टेंस इज ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम e. दैट मीन्स अगर इसकी e से डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 2x होगी. दैट मीन्स इन दोनों का रेशो क्या होगा, 2:1 के रेशो में काट रहा है. अब आई थिंक आप निकाल लेंगे सिंपली. अब हमें क्या लगाना है, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे. चलिए सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, ये x हटा देते हैं, इसके पॉइंट हमने एज्यूम कर लिए x एंड y. तो मेरे x और y क्या आएंगे, चलिए x और y निकालते हैं. x की वैल्यू मैं निकालूंगी, तो जब x की निकालूंगी 2 into 2, इस साइड का m और इस साइड का x, m into x1 प्लस, फॉर्मूला तो याद है ना, चलो लिख देती हूँ, m x1 प्लस n x2 अपॉन m प्लस n, और दूसरा क्या आता है, m y1 प्लस n y2 अपॉन m प्लस n. ठीक है जी, चलिए m हमारा 2, तो 2 into 2 प्लस 1 into -4 अपॉन 2 plus 1, तो ये आ गया 4 minus 4, दैट इज 0 आ गया. y निकालते हैं, y हमारा कितना आएगा, 2 into 1 प्लस 1 into 1 अपॉन 2 plus 1, 2 और 1 3 3 upon 3 इज इक्वल्स टू 1. अब हमारे पॉइंट्स क्या आ गए, 0 and 1, और 0 and 1 इज ऑप्शन नंबर बी. आई थिंक बात समझ में आ गई होगी. चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारा पेपर हो जाएगा खत्म. ये कह रहा है द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस की बात कर रहा है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, बी से भी और सी से भी क्या हो, इक्वल डिस्टेंस. वो बिल्कुल एक्स वाले क्वेश्चन की तरह होगा, जिस तरह से हमने एक्स में किया था, तो हम इसमें पहले इस पॉइंट को एज्यूम करेंगे, है ना, क्या करेंगे, पॉइंट को एज्यूम करेंगे. तो हम ये कोई पॉइंट मान लेंगे कि इस पे कोई पॉइंट है, लेट सपोज क्यू हो गया, ए बी सी डी एफ जी एच हो गया सब, एम ले लो, एम कोई पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है किस किस से, बी एंड
सी से, और वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस पे एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो इसके पॉइंट हम क्या एज्यूम करेंगे, जीरो एंड वाई एज्यूम करेंगे करेंगे। बी के पॉइंट्स मेरे क्या हैं, बी देखो कहाँ है, बी यहाँ है, बी के पॉइंट्स क्या होंगे, फोर एंड फोर एंड थ्री, और सी के पॉइंट्स क्या होंगे, सी कहाँ है, ये रहा सी, सी के पॉइंट्स होंगे फोर एंड माइनस वन। फॉर्मूला लगाएंगे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, एम बी इज इक्वल्स टू एम सी, ठीक है, चलिए लगाते हैं अंडर रूट एम बी, दैट मीन्स जीरो माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सिमिलरली नीचे वाले के साथ लगाएंगे सी के साथ, जीरो माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस प्लस वन का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, फोर फोर का सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स सिक्स वाई इज इक्वल्स टू सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, माइनस सिक्स वाई इधर आके ऐड हो जाएगा और ये वन उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एट इज इक्वल्स टू एट वाई, और वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा वन। तो हमारे पॉइंट्स कौन से आएंगे, जीरो एंड वन, एंड जीरो एंड वन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ पेपर हो गया ख़त्म, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, बट इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय बाय।